सीहोर जिले में पदस्थ पीडब्ल्यूडी का अधिकारी कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार नहीं है। दोराहा टप्पा तहसील के राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा सीमांकन के बाद किसान के द्वारा की गई तार फेंसिंग को भी पीडब्ल्यूडी के इस अधिकारी ने उखाड़ कर फेंकवा दिया है। मामला सामपुर तहसील के अहमदपुर क्षेत्र का है। किसान की निजी भूमि पर स्कूल शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग और पुलिस विभाग की बिल्डिंगें बनी पाई गई हैं, तो इधर कुछ निजी लोग भी निजी भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमणकर्ता के रूप में सामने आए हैं। अहमदपुर बनखेड़ा कांकड़ के पास बनखेड़ा के कृषक सेवराम की कृषि भूमि वर्षों से शासकीय कार्यालयों में दबी पड़ी हुई थी। सेवराम को उसकी ही जमीन पर मकान बनाने से रोका जा रहा था। पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी से अपनी जमीन वापस लेने के लिए सेवाराम ने सरकारी राजस्व विभाग के अधिकारियों के कार्यालयों के लगातार चक्कर लगाए, लेकिन जब कोई परिणाम नहीं निकला तो उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। हाई कोर्ट के आदेश पर दोराहा टप्पा तहसील के आरआई अबा हल्का पटवारी ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्रीय ग्रामीणों की उपस्थिति में जमीन को नापा तो कृषक सेवाराम की निजी जमीन पर स्कूल भवन, रेस्ट हाउस और पुलिस थाना परिसर में जमीन पाई गई, तो वहीं अनेक लोगों के मकान भी सेवाराम की जमीन में पाए गए। इधर हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद, नपती में आई सच्चाई के बावजूद, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी और पुलिस विभाग किसान की जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं है। पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने तो किसान के द्वारा लगाई गई तार फेंसिंग को ही उखाड़ कर फेंकवा दिया। सेवाराम ने इस मामले में जिला कलेक्टर से भी हस्तक्षेप करने की मांग की है। 2020 में सीमांकन हुआ था, वहाँ से हमने फेंसिंग की थी सर के आदेश के अनुसार, और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी अधिकारी जो आरती जैन साहब हैं, उन्होंने आके फेंसिंग को तोड़ दिया। अभी पूरे हालात हैं, 2 एकड़ की जमीन में फसल नहीं बो पा रहा हूँ सर, परेशान अंतर बना हुआ है, आप सामने देख सकते हैं। सामने पूरा स्कूल भी बना हुआ है, सारे थाने वाले भी है, सभी परेशान है सर। 2 एकड़ थाने में भी आवेदन दिया है, पीडब्ल्यूसीएम हेल्पलाइन में भी लगा है, कलेक्टर अनुभागीय अधिकारी सीओ यहाँ भी दे रखा है, तहसील में भी दे रखा है, पंचायत कहीं की लगी है निजी जमीन पर पंचायत द्वारा अवैध निर्माण कर दिया गया है। यहाँ पे क्वार्टर बना हुआ है, वो भी अवैध है, पे बनाया कब्जा परेशान कर रहे हैं बार बार। 2 एकड़ जमीन है बिल्कुल छोड़ा, ये शासकीय भवन जो बना है वो आपकी निजी भूमि में बना है में है। आप कितना सीमांकन का भी दिया, कई बार सीमांकन हो चुका है, इसके बाद भी कब्जा नहीं ले पा रहा है, ना हटा पा रहा है, क्या करूं बताइए, कहां जाऊं। शासन से यही है कि इन कब्जा को हटाया जाए और मेरी जमीन मुझे दी जाए।